जय हो चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके वसंत बाग दो में दिए गए दूसरा पाठ। पाठ का नाम है दादी माँ। तो इस पाठ का लेखक है शिव प्रसाद सिन्हा। तो लेखक अपनी खुद की कहानी यहाँ पे व्यक्त किए हैं। तो अपनी दादी माँ के बारे में इस कहानी द्वारा हमें कहने जा रहे हैं। तो बच्चों, दादी, दादा, नाना, नानी किसको पसंद नहीं है? सबकी फेवरेट होती है ना? तो बच्चों, पहले हम देखेंगे अपनी हिंदी कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में महीना कब शुरू होता है। क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर हम जनवरी से देखते हैं, लेकिन हिंदू जो कैलेंडर होते हैं उसके हिसाब से मार्च से उसका नया साल स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे उस महीनों का नाम रखते हैं? पहला जो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ऐसे। तो ये जो चैत्र जो माघ है, ये माघ वो मार्च से अप्रैल तक देखते हैं। तो अप्रैल से मई तक वैशाख महीना होता है, और मई से जून तक ज्येष्ठ, जून से जुलाई तक आषाढ़, और जुलाई से अगस्त सावन होता है। तो अगस्त से सितंबर भाद्रपद होता है। तो आश्विन यानी सितंबर से अक्टूबर तक ये माघ चलता है। तो उसके बाद आता है अक्टूबर से नवंबर तक कार्तिक। तो नवंबर से दिसंबर तक जो आता है वो मार्गशीर्ष, और जो दिसंबर से जनवरी जो आता है ऋतु वो है पौष। तो उसके बाद जो जनवरी से फेब्रुवरी तक जो आता है वो क्या है? माघ। तो ऐसे फेब्रुवरी से मार्च फाल्गुन, तो फिर से ऐसे मार्च से उसका जो नया साल स्टार्ट होता है। तो अब हम देख रहे हैं ये माघ की जो नाम है, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस कहानी में उसे प्रस्तुत किए गए हैं। तो आपको हम पाठ पढ़ते जाएंगे तो उसके और भी जानकारी हम देते जाएंगे। तो बच्चों, लेखक जी वो अपनी दादी माँ जी के बारे में इस कहानी में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप भी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और देखते जाइए। तो देखिए, लेखक जी कह रही है, कमजोरी ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ती। तो लेखक जी की कमजोरी क्या है? उसकी कमजोरी यह है कि जरा से भी कठिनाई पड़ती तो वो बहुत घबरा जाती है। तो देते के वो कह रही है, बीसो गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमन सा हो जाता है। तो इस लाइन द्वारा लेखक जो हमें कह रही कि बीसो गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी, यानी बीसो गर्मी यानी हर साल गर्मी आता है, वैसे बहुत वर्ष तक वो गर्मी देखे, यानी वो बहुत बहुत बड़े उम्र के है। और कितने उम्र में है वो, तो उसको 200 गर्मी गए, 200 साल गए, 200 बरसात गए, मतलब हर साल बरसात आता है, ऐसे 200 बरसात गए हर वसंत देखने के लिए बाद भी उसके मन सदा ही, यानी इतना कठिनाई जो देखे हमने, बहुत देर सारे अपने जीवन में देखे हैं, फिर भी हम क्या करते, हमारे मन में अनमान सा हो जाता है। थोड़ा सा भी कठिनाई हमारे जीवन में आ गई तो, मतलब कितने साल हो गए, हमारा उम्र बढ़ गए, हम कितने कठिनाई देखे, उसके बाद भी हम क्या हो रहे हैं, घबराते हैं, जरा सी कठिनाई आ गई तो। वो बोलते हैं आगे, मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देती है। तो मतलब हमारा जो मित्र होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, शुभचिंतक। तो वो मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए, मतलब हमारे सामने जब होते हैं तो हमारे बारे में अच्छे अच्छे बात करते हैं, तो प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मतलब वो हमें समाधान करने के लिए कोशिश करते हैं और हमारे लिए अच्छे अच्छे बातें करते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब मेरा जो शुभचिंतक, हम मानते हैं अपने मित्र को शुभचिंतक, लेकिन वो जो मित्र है हमारे सामने हमारे बारे में अच्छे अच्छे बात करते पीठ पीछे, यानी
हमारे हम वहाँ पे नहीं होते जहाँ पे वो हमारे बारे में बुरे बुरे बात करते हैं। मतलब हमें हमारी जो एक कमज़ोरी है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, ये जो घबराने वाली जो है कमज़ोरी, उसके बारे में हमारे पीछे क्या करते हैं, हमारे मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी ना उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो मैं अपने आप को, हमारे मन को, अपने मन को मैं समझाते हूँ। क्या समझाता हूँ मैं, छोड़ दो कुछ भी बोले वो हमारे मित्र, सामने कुछ और पीछे कुछ और, कुछ भी बोले, हम उसके बारे में क्यों सोचना। ऐसे जितने बार हम अपने मन को समझाते हैं, पर भरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना चुभती है। तो देखिए, पर भरबस, भरबस ये भरबस जो शब्द है, भरबस मतलब है जबरदस्ती। तो ये जबरदस्ती मेरे आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, शरद यानी जो ठंड के मौसम होते हैं, शीत होते हैं, तो वो शीत के किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना चोड़ती है। मतलब हर बार मेरे आंखों के सामने आते हैं तो मैं ठंडे दिमाग से सब सोचना शुरू करता हूँ, थोड़ा मुझे मन को मैं समझाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो आगे क्या बता रहे हैं हमें लेखक, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वार, क्वार मतलब क्वार का जो दिन है, क्वार यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्वार का दिन मतलब है वही जो अश्विन, अश्विन माघ को हम क्या बोलते हैं, क्वार बोलते हैं। तो क्वार के दिन आ गए हैं मेरे गांव के चारों ओर, यानी वो अब लेखक जी अपने बचपन के बारे में, जब वो गांव में रहते थे उसके बारे में वो याद कर रहे। उसको लगता है जैसे क्वार के दिन यानी अश्विन माघ आता है, तो अश्विन माघ यानी कब आता है, हमने कहे थे आपको सितंबर या अक्टूबर के बीच में क्वार के दिन यानी अश्विन का जो माघ है वो प्रारंभ हो जाता है। तो उस दिन मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। तो गांव के आसपास क्या नज़र आ रहे, पानी ही पानी नज़र आ रहे, पानी की लहरें जो है वो देखने के लिए कितना अच्छा लगता है ना। तो दूर के सिवान से बनकर आए हुए मोता और साई की अधगली, अधगली अधगली मतलब होता है आधा सूखे हुए घासे। तो और गेहूं और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब उस वक्त जो पानी जो आता है गांव के आसपास, तो यानी वहां पे थोड़ा बरसात शुरू होने का महीना है, तो उस वक्त जो पहली बार जो बरसात हो जाते हैं तो वो पानी आ जाता है, तो पानी खेतों में से ढेर सारे वो मिट्टी लेकर आता है, जो वो जो जो गंध होता है, सुगंध होता है, वो हमको अच्छा लगता है। और साई की अधगली मतलब जो आधा सूखा गए, क्योंकि वसंत माघ उस वक्त आता है तो घास का जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है। गेहूं बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसात में जो घासों के बीज होते हैं और सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र सुगंध छोड़ देता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झग भरे जलाशयों में क्या कर रहे हैं, धमाके से कूद रहे हैं, देखिए तैर रही है, तैरना अच्छा लगता है, सब बच्चों को अच्छा लगता है। जो गांव में जो नदियां बहना शुरू हो जाता है उस वक्त उस महीना में, तो वहां पे तैरना बहुत अच्छा लगता है। तो लड़के किनारे पर क्या करते हैं, जलाशयों में धमाक से कूदना शुरू करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें ही होते हैं, मतलब हर मौसम में अलग सा ही फील होता है ना। तो ऐसे आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं। तो आषाढ़ महीना में हमें
क्या क्या कौन कौन से फल हम दे सकते हैं, देख सकते हैं, हम आम देख सकते हैं, जामुन देख सकते हैं, लेकिन वो दोनों मिले नहीं तो चिंता नहीं है। अगहन में चूड़ा और न मिले चिंता नहीं है। तो देखिए, बरसात में हमें खाने के लिए चूड़ा और गुड़ गुड़ यानी स्वीट जो नहीं मिले तो भी दुख नहीं है। चैत के दिनों में यानी चैत्र माघ में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी हमें छोड़ दो, मतलब जो ये जो लाई के साथ, लाई मतलब क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ के साथ जो गुड़ यानी स्वीट वो भी नहीं मिले तो अफसोस नहीं है। पर क्वार के दिनों में, देखिए, पर क्वार के दिनों में, क्वार मतलब हमने अभी कहे क्वार मतलब जो है अश्विन माह, तो उस दिनों में इस गंधपूर्ण जग भरे जल में कूदना न हो तो हमें बहुत बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक जी बोल रहे हैं हमारे गांव में जो अश्विन माघ में क्वार यानी क्या है अश्विन, उस वक्त हम पानी में नहीं गए तो, हम पानी में नहीं तैरने तो हमें अच्छा नहीं लगता। जो 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 भी हर महीना में, हर माघ में हमें अलग अलग माघ में यानी चैत्र वैशाख जो भी है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल मिलते हैं, अलग अलग वातावरण होते हैं, ये सब नहीं हुआ तो भी हमें अफसोस नहीं है। लेकिन हमें अश्विन माघ में जो पानी आता है गांव में, नए नए पानी आते हैं, उस वक्त हमें तैरना वहाँ पे नहीं गए तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे वो अपने गांव के बारे में यादें ताज़ा कर रहे हैं लेखक जी शिव प्रसाद सिम्हा। तो अपनी इस कहानी द्वारा हमें अपनी दादी माँ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अब तक हमने बच्चे देखा कि वो अपने मित्र के बारे में सोचते हैं और अपने गांव की यादें जो है उसे ताज़ा करते हैं। तो अगले कक्षा में हम देखेंगे वो अपनी दादी माँ की कहानी किस तरह हमें बताने जा रही। तो बच्चों, जहाँ तक पाठ आज हुआ है वहाँ तक ध्यान से पढ़िए और इसमें आए हुए जोड़ाक्षर यानी नए शब्द, पांच शब्द तो हमें लिखकर भेजिए। तो जय हिंद बच्चों, घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए।